हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, आज जो है मैं ये ट्रस्ट बिन में कंपोस्टिंग करने जा रही हूँ। सोचा आपके संग भी ये एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। इसमें कंपोस्टिंग करना बहुत ही आसान है। आप जो है अपने किचन के अंदर रख करके या घर के अंदर ही रख करके कंपोस्टिंग कर सकते हैं। इसमें कोई भी बदबू नहीं आती है, मच्छर मक्खी जैसी कोई भी गंदगी नहीं फैलती है और कंपोस्टिंग भी जल्दी हो जाती है। आज मैं आपको यही शेयर करूंगी कि मैं इसको किस तरीके से यूज़ कर रही हूं। फ्रेंड्स, इसके जो सीरीज़ में मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगी और आपको इसका अपडेट भी देती रहूंगी। साथ में हमने क्या गलती करी है या कैसे क्या रिज़ल्ट आया, ये सब शेयर करेंगे। ये जो कंपोस्ट बिन है, इसका एक मैं आपको दिखा रही हूँ। जब खोलते हैं तो अंदर जो है इस तरीके का ब्लू कलर का एक स्टैंड सा मिलता है। इसमें देखिए पूरे में ये जाली जाली सी बनी है, होल जैसे बने हैं छोटे छोटे से। इसको अंदर जो रखना होगा ये ईज़िली ऐसे चला जाता है। सबसे पहले नीचे की तरफ जो है हमको छोटा थोड़ा सा गुड़ डालना होगा। ये गुड़ जिसको कि जैगरी भी बोलते हैं, ये केवल 10 ग्राम यानी कि 10 ग्राम्स है, केवल थोड़ा सा बिल्कुल चाहिए होता है। इसको जो है छोटे छोटे पीसेस करके इस तरीके से नीचे की तरफ डाल देंगे हम इसमें। दोस्तों, आप जो है अपने किचन का जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सभी कुछ डाल सकते हैं बिना डरे हुए। जैसे राइस है, चपाती है, रोटी है, ये सब डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स के फ्रूट भी। ये वाला हिस्सा नीचे जाएगा, ऐसे रखा जाएगा। अब इसके ऊपर हम लोग अखबार का, न्यूज़पेपर का एक पीस बिछाएंगे, केवल सिंगल ही, मोटी परत नहीं करनी है, पतला करेंगे क्योंकि जो छेद है वो भर ना जाए। अभी जो ऊपर हम लोग छिलके वगैरह डालेंगे ना, हो सकता है वो छेद में जाके फंस जाए, तो इसीलिए न्यूज़पेपर डाल दिया गया है पतली लेयर, ताकि वो जो गंदगी जो कुछ भी फेंकें वो हम लोग का होल में ना चला जाए। पतली लेयर डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग का जो नीचे अभी लिक्विड निकलेगा हम लोग के वेजिटेबल्स से जो वेस्ट है ना, तो वो नीचे भी चला जाए। आप जो है कई दिन का अपना किचन वेस्ट इकट्ठा करके भी डाल सकते हो, डेली डेली भी डाल सकते हो। अब हमने जो है 2-3 दिन का यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है, फिर दिखा रहे हैं आपको। तो इस तरीके से डालना है। सब्जी के छिलके वगैरह जो भी डालो आप, कुछ भी डालो, अंडे के छिलके वगैरह जो भी डालना है आपको, वो छोटे पीसेस रहें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। इसमें ये चीज़ ध्यान रखें, कोई धागे ना हो, कोई प्लास्टिक का सामान ना हो। ये जो है कंपोस्ट मेकर साथ में ही मिला हुआ था। ये मेरे ख्याल से कुछ पाउडर होगा जिसमें बैक्टीरिया वगैरह होंगे। ये जो बैक्टीरिया होते हैं बिना हवा के अपना कंपोस्टिंग का काम करते हैं। इनको हवा लग जाएगी ज़्यादा ना तो ये मर जाते हैं बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है। तो हमने 2 इंच की सब्जी की लेयर अगर बिछाई है अपना किचन वेस्ट का, तो 2 बड़े चम्मच 2 टेबल स्पून हम जो हैं अपना ये कंपोस्ट मेकर डालेंगे और बस इसी तरीके से लेयर डालते चलना है। 2 इंच हम सब्जी के लेयर डालेंगे, जो भी आपके पास सूखी पत्तियां हों, मूंगफली के छिलके हों, टहनियां, बस छोटा छोटा रहे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपका। तो 2 इंच आप अपना किचन वेस्ट वगैरह डालिए, फिर उसमें से कंपोस्ट मेकर का 2 बड़े चम्मच डालिएगा। 2 बड़ा चम्मच पहले इसलिए हम बोल रहे हैं कि पहले थोड़ा सा अधिक डालिए ज़्यादा अच्छा है, कम ज़्यादा आप, क्योंकि नए हैं सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा, मतलब बदबू नहीं आएगी ज़्यादा डालने से। जब एक बार आपको आ जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आप कम भी डालोगे तब भी चलता रहेगा। इसको तब तक डालना है जब तक ये लिड पूरी ऊपर तक भर ना जाए। जब ये पूरी तरीके से ऊपर तक भर जाएगी तो इसको कवर करके आप चाहे तो अपने बेसिन के नीचे रख दो या कहीं पर भी रख दो, बस डायरेक्ट धूप ना लगे और ना ही बहुत तेज़ गर्म रहे वहाँ पर, क्योंकि धूप रंगने से भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म मर जाते हैं ना, तो वो ना रहे इसको। और इसको जो है आप फिर जो है पूरी तरीके से कवर करने के बाद 15 दिन ऐसे ही उसको रखे रहिएगा, बिल्कुल भी मत खोलिएगा इसकी लिड, बिल्कुल हवा नहीं जानी चाहिए इसके अंदर। हवा जाएगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म मर जाएंगे इसके जो माइक्रोब्स होंगे। इसके बाद 15 दिन बाद इसके अंदर से लिक्विड निकलने लगेगा, तब आप जो है जो नीचे इसको जो है हिला के देखिएगा, आवाज़ आपको आ जाएगी, पता लग जाएगा। लिड को अच्छी तरीके से कवर करिएगा सब तरफ से ताकि हवा ना जाए। आपको चेक करना है तो इसी से झांक करके देख लीजिएगा, ये पूरा सा वाइट वाइट सी फंगस जैसी आ जाएगी इसके अंदर।
इसके बाद 15 दिन बाद ये जो नल बने हैं इसके, इसी में से आप हिलाओगे ना तो आपको लगेगा कि अंदर पानी भरा हुआ है, तब आप किसी भी कंटेनर में उसको इकट्ठा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसको अपनाइएगा, फिर आगे जो है हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मैंने इसका लिक्विड कलेक्ट करा था। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।